सो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मार्केट जो है ओपन हो चुका है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये है हम लोग का निफ्टी का चार्ट। ओके तो अभी अगर मैं अपने व्यू की बात करूं तो यहां पे देखो पुट साइड का व्यू तो है, बट यहां पे पुट साइड में एक दिक्कत जरूर हो सकता है। पहली चीज अगर आप लोग देखोगे कल मार्केट क्या हुआ था, कल मार्केट यहाँ पे जो है गैप ओपन हुआ था, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे गैप ओपन हुआ, मार्केट ने एकदम जो साइकोलॉजिकल लेवल था और क्लोजिंग प्राइस था यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट एकदम जो है सीधा अपसाइड का मोमेंटम किया, और सेम गैप अप आज भी मार्केट ओपन हुआ और सेम सिनेरियो है आज। आज भी नीचे क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं चार्ट रिपीट हो जाएगा, पहली चीज। और ऑब्वियसली बात, यहाँ पे जो है बायर्स भी आएंगे। ओके बट देखो यहाँ पे देखो पुट साइड का व्यू तो है, बट निफ्टी थोड़ा सा दिक्कत जरूर दे सकता है, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे पहले ही क्या किया है, अपना जो डे लो है, क्लोजिंग प्राइस है, साथ साथ जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रेक डाउन कर चुका है। ओके जिस वजह से थोड़ा सा निफ्टी दिक्कत दे सकता है, बट अभी जो है वो फिर से रिवर्स कर गया, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो वैसे तो ओवरऑल हम लोग का पुट साइड का ही व्यू है, फिर भी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके और चलो देखते हैं, वेट करते हैं। अगर कोई पोजिशन बनाऊंगा तो आप लोग के सामने ही बनाऊंगा और आप लोगों को ऑब्वियसली बात दिखा दूंगा, ठीक है? तो ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। देखो ऊपर कहाँ ही जाएगा, जाना तो नीचे ही जाइए, ठीक है? तो कल हमने ट्रेड प्लेस नहीं किया था, उससे पहले वाला दिन भी हम लोगों ने किया नहीं किया था क्योंकि मौका नहीं मिला था। चलो देखते हैं आज क्या होता है। अगर यहाँ पे एम पैटर्न वगैरह बना देगा तो फिर से एक दिक्कत बन जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। सो देखो ट्रेडर, यहाँ पे मैंने अभी अभी जो है डाउन साइड का ट्रेड ले लिया कुछ इस पॉइंट के आसपास। ओके तो ये है हम लोग का स्पॉट का चार्ट, और स्पॉट के चार्ट के अंदर भी हम लोग का यही ये रहेगा, और ये है हम लोग का प्रीमियम का चार्ट कुछ इस पॉइंट के आसपास मैंने लिया हुआ है, और वही हम लोग का 70 पॉइंट का टारगेट और 40 पॉइंट के आसपास हम लोग अपना जो एसएल रखने वाले हैं। ओके और पुट साइड का ही मैंने ट्रेड लिया, क्यों लिया, रीजन क्या है वो आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहे, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अभी ट्रेड तो प्लेस कर दिया, अभी वेट करते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, बस वेट ही कर सकते हैं, तो अभी वेट करते हैं। सो ट्रेडर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट के अंदर जो टारगेट था हम लोगों का वो यहाँ पे जो हिट हो चुका है, और ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे जो है 96 पॉइंट कैप्चर कर दिया। और मैंने दो लॉट के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने एक लॉट निकाल दिया और अभी एक लॉट को ट्रेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलो इसको चलने देते हैं। मे भी ये थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, तो मैं इसको और थोड़ा सा ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। ओके तो एक लॉट से मैं ट्रेल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मार्केट नीचे चला भी जाता है तो हम लोग का जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है 2000 का, उससे नीचे तो नहीं जाने वाला, उससे ऊपर ही रहेगा, ठीक है? अगर उससे नीचे जाता है तो मैं काट दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एग्जिट कर दिया और 2000 का यहाँ पे आप लोग जो है प्रॉफिट देख सकते हो। हम लोग का जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो यहाँ पे जो है 2700 तक गया था, बट यहाँ पे जो ये वाला जो कैंडल था, इस कैंडल के कारण मार्केट के अंदर लॉस, हम लोग को थोड़ा सा लॉस देखने को मिला, और मैंने यहाँ पे जो है 2000 के आसपास मैंने अपना जो टारगेट है वो यहाँ पे बुकिंग कर लिया। और साइड में आप मेरा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 1984, यानी कि 2000 ही मान लो ये हम लोग का आज का जो है डेली प्रॉफिट रहा। ओके तो अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे मैंने पता किया कि मार्केट नीचे जाएगा, कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, कैसे मेरे को पता लगा कि मार्केट नीचे ही जाएगा। सबसे पहली चीज अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 2 दिन से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट कल क्या हुआ था, मार्केट ने गैप ओपन हुआ था एंड जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके साथ साथ जो क्लोजिंग प्राइस था यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट पूरा ही जो यहाँ पे रॉकेट बन चुका था। उससे भी पहले वाला दिन अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है अप साइड का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला था, कि पहले मार्केट ने आया थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह दिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है अप साइड का मोमेंटम कर दिया। ओके तो उससे ज्यादा हम लोग को पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 दिन का 2 दिन का पिछले वाला चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पिछले 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, बायर को पैसा दे रहा है, मार्केट ऊपर ओपन होते ही बाइंग में अच्छा खासा पॉजिटिव होके जा रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है वो आज के दिन क्या करेगा, वो आज के दिन आके यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने काफी टाइम आज जो है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड किया था। तो अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो वहां पे कौन आएगा, ऑब्वियसली बात वहां पे बायर आएगा।
अगर यहाँ पे ज्यादातर लोग अगर यहाँ पे बाइंग कर रहा है तो क्या मार्केट एक्चुअली में ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर जो करेगा मार्केट उसका ऑपोजिट में ही जाएगा। यही मार्केट का सच्चाई है, यही मार्केट का रियलिटी है। अगर आप भी इसी तरीके का ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इसी तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप लोगों को मैं ऑब्वियसली बात बताऊंगा कि अगर आप लोग इसल हंटिंग जरूर सीखो, और इसल हंटिंग के साथ साथ साइकोलॉजी हंटिंग को भी कंबाइन करके आपके पास एक पावरफुल स्ट्रेटेजी होगा। और अगर आपको पता है, अगर आप लोग मेरा रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि इस वीक में देखो सोमवार तो मार्केट बंद था, मंगलवार हम लोगों को कोई मौका नहीं मिला ट्रेडिंग करने का, तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। कल अगर हम लोग देखेंगे, कल तो एक्सपायरी था, कल के दिन भी मार्केट के अंदर हम लोग को कोई ज्यादा मौका मेरे को नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह नहीं किया था। आज मेरे को मौका मिला, आज मैंने ट्रेडिंग किया, पैसा बना लिया। ओके, तो अगर मैंने कल ट्रेड करता तो मे भी मेरे को लॉस हो सकता था, उससे पहले बिना दिन अगर मैं ट्रेड करता तो मे भी मेरे को लॉस हो सकता था, बट मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, मैं एक रूल को फॉलो करता हूँ। तो जब तक आप अपने आप के अंदर डिसिप्लिन को नहीं लाओगे, एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग रूल को नहीं लाओगे, आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। ट्रेडिंग से तभी पैसा बनेगा जब आप एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। ओके, अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जो है, हम लोग का जो टारगेट था वो यहाँ पे जो हिट हो चुका है, और 96 पॉइंट का आसपास हम लोगों ने यहाँ पे जो है कैप्चर किया हुआ है। ओके, बट हम लोग का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे जो है 70 पॉइंट का ही हम लोगों को प्रॉफिट मिला हुआ है। सो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट 100 पॉइंट तक भी गया हुआ था, बट हम लोगों ने कैप्चर कितना किया, 70 पॉइंट तक। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप लोग तो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, मेरे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, एकदम आप लोग जो है एसएल हंटिंग सीखना चाहते हो, साइकोलॉजी हंटिंग सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओ, वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 है, आप लोग देख सकते हो। 1000 आप लोग अगर एक लॉट से भी ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको एक टारगेट में आपको 1000 तो इजिली रिकवर हो जाएगा। अगर आप लोग सीरियस हो ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग एक्चुअल में सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप लोग एसएल हंटिंग सीखो। और आप लोग अगर एसएल हंटिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप लोग उस कोर्स को परचेस करो एंड सीखो। मैं आपको ये नहीं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग कोर्स को परचेस करते ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। कोर्स को आप लोग अच्छे से वॉच करो, मैं कोर्स के अंदर जो भी सारी चीजें बताया हुआ हूँ वो सारी चीजें अगर आप लोग जो है अच्छे से फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ क्या, विद इन 6 मंथ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो कोर्स लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना। मैं आप लोगों से झूठे वादे नहीं करूंगा कि कोर्स लेने के बाद ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। असली मेन चीज है डिसिप्लिन और खुद को कंट्रोल करना। अगर ये चीज आपके अंदर है, आई नो ये मतलब इतनी आसानी से डिसिप्लिन कहने में तो बहुत ही मतलब कहने में तो बहुत ही आसान है कि डिसिप्लिन, बट इसको डिसिप्लिन को डेवलप करने में टाइम लगता है, और वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मैं जब पहले पहले ट्रेडिंग करता था तब मेरे को लॉस होता था, बट अभी 2 साल बाद बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे अंदर, क्योंकि मैंने डिसिप्लिन को लाया। तो वो चीज अगर आप भी मार्केट को टाइम दोगे, और हाँ आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज आपने RSI पे ट्रेड कर लिया, कल आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर लिया, नहीं। आप जो भी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हो, उस स्ट्रेटेजी पे आप लोग जो कंटिन्यूअसली उसी स्ट्रेटेजी पे टिके रहो। हर चीज का बुरा टाइम भी आता है, खराब टाइम भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है, तो आपका भी अच्छा टाइम आएगा, तो आप लोग उसमें टिके रहो, बस उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप लोग जाओ कोर्स को परचेस करो एंड ट्रेडिंग सीखो, ठीक है। बाकी वही चीज है, मैंने आपको डिस्कस आपको मैंने बता दिया कि मार्केट के अंदर डाउन साइड का ट्रेड मैंने क्यों लिया था, क्योंकि ऊपर साइड देखोगे तो कोई SL वगैरह नहीं था, और सारे SL यहाँ पे जो नीचे साइड था, और देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, क्योंकि निफ्टी ने पहले ही साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया था, फिर निफ्टी ने तो मतलब फालतू का ट्रेड हुआ था। निफ्टी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर मैंने क्या किया, इसका जब कोई भी इंडेक्स इस तरीके का पागल हो जाता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, तब तो उस इंडेक्स का कोई महत्व नहीं रखता उस टाइम के लिए। जैसा आज के लिए हुआ कि बैंक निफ्टी एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा था, बैंक निफ्टी यहाँ पे जो बायर को इन्वाइट कर रहा था, उसके बाद बायर्स यहाँ पे जो भी बाइंग कर रहा था उनका SL मार्केट ने निकाल दिया। बट जो निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी एक ही जगह पे यहाँ पे जो पागलों की तरह यहाँ पे जो कभी ऊपर कभी नीचे, जैसा अगर ऐसा अगर करता है तो इसका कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो ट्रेड हो चुका है, अभी क्या है, हम अभी मैं यहाँ पे जो अपना ट्रेडिंग सिस्टम है वो यहाँ पे बंद कर दूंगा, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।